नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी जेपीजी इमेज या फोटो का पिक्सल को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि रिसाइज इमेज पिक्सल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने अपने डेस्कटॉप में एक फोटो सेव करके रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे पिक्सल चेंज किया जा सकता है। एक पासपोर्ट साइज का फोटो है और ये फोटो जेपीजी फॉर्मेट में है। तो इस फोटो पर सबसे पहले मैं कर्सर ले जाऊंगा और राइट क्लिक करूंगा। तो जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करते ही देखिएगा एक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, मैंने राइट क्लिक किया, कर्सर ले जाके एक पेज ओपन हो गया। अब इस पेज में एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ। तो उस ओपन विथ पर फिर से आप कर्सर ले जाएंगे तो बगल में एक और पेज खुल जाएगा और वहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। और उसमें से एक पहला जो ऑप्शन आपको दिखेगा पेंट, तो अब आपको इस पेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। चलिए, मैं इसे क्लिक करता हूँ पेंट वाले ऑप्शन को। तो मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर में आपको रीसाइज ऑप्शन दिखेगा, रीसाइज। तो आपको अब इस रीसाइज ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो रीसाइज ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से एक पेज अपीयर हो जाएगा। देखिए, एक पेज अपीयर हो गया। अब इस पेज में दो ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर में, जैसा कि देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है रीसाइज बाय। पहला जो ऑप्शन है परसेंटेज और दूसरा ऑप्शन है पिक्सल। जी हाँ, पहला ऑप्शन है परसेंटेज और दूसरा ऑप्शन है पिक्सल, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो आप अपने इमेज का पिक्सल भी चेंज कर सकते हैं और यदि चाहें तो आप अपने इमेज का परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों ऑप्शन हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर पिक्सल कैसे चेंज करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं पिक्सल जो ऑप्शन है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला पिक्सल ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके नीचे देखिए दो ऑप्शन लिखा दिया हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल और उसके बगल में एक बॉक्स बना हुआ है, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ वर्टिकल, उसके बगल में भी एक बॉक्स बना हुआ है। यानी कि आपको यहाँ पर पिक्सल या परसेंटेज चेंज करना है तो अपना जो हॉरिजॉन्टल का जो साइज है वो आपको फिल करना होगा और वर्टिकल का साइज आपको फिल करना होगा। अब उसके नीचे देखिए लिखा हुआ मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, और इसे यदि आप टिक कर लेते हैं यानी कि सिलेक्ट कर लेते हैं तो जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल वाले बॉक्स में साइज फिल करेंगे तो वर्टिकल वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक साइज ऑटो फिल हो जाएगा, एक रेशियो के हिसाब से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा यदि मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि देखिए, मैंने यहाँ पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट किया था और हॉरिजॉन्टल में 100 फिल किया तो वर्टिकल में 151 ऑटोमेटिक ही फिल हो गया, यानी कि एक रेशियो में ऑटोमेटिक फिल हो जाता है वर्टिकल में, आपको हॉरिजॉन्टल सिर्फ फिल करना है। और यदि मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को यदि आप सिलेक्ट नहीं करते हैं यानी कि अनचेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में भी आपको साइज फिल करना होगा और वर्टिकल में भी आपको साइज फिल करना होगा, यानी कि आपका कितना साइज आपको चाहिए तो आपको फिल कर लेना है। अब सारा कुछ करने के बाद में आपको नीचे देखिए ओके ऑप्शन दिखेगा, तो आप ओके ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद में देखिएगा आपका जो इमेज है वो रिसाइज हो जाएगा, यानी कि पिक्सल चेंज हो जाएगा। तो चलिए, मैं अब नीचे जो ओके ऑप्शन दिख रहा है उसे मैं अब क्लिक करता हूँ और क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए, इमेज पहले कैसा था उसके बाद इमेज उसके बाद में कैसा हो गया। देखिए, इमेज छोटा हो गया यानी कि साइज मैंने चेंज किया, पिक्सल चेंज किया। तो देखिए, इमेज पहले जब आप स्क्रीन पर आए थे तो देखिए इसका इमेज कुछ बड़ा था, अब देखिए छोटा हो गया। तो इस तरह से आप पिक्सल या परसेंटेज आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, फिर से मैं इसका पिक्सल चेंज कर रहा हूँ तो फिर से मैं साइज थोड़ा चेंज कर रहा हूँ तो देखिए फिर इमेज का साइज कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितनी बार चाहें अपने इमेज का या जो भी जेपीजी फोटो का, देखिए साइज चेंज हो गया, आप जितनी बार चाहें अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं, यानी कि पिक्सल अपने हिसाब से कम बेसी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। साथ ही साथ अगर परसेंटेज चेंज करना चाहें तो परसेंटेज भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज भी अपने हिसाब से आप कम बेसी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि सिंपल सा चीज़ आप लोग को बता पाऊँ, और ये सिंपल सा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से साइट पे
जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहाँ पर साइज का प्रॉब्लम हो जाता है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है। देखिए फिर से मैं साइज को थोड़ा कम बेसी कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अब देखिए बड़ा हो गया इमेज, क्योंकि मैंने साइज बढ़ाया है, पिक्सल को बड़ा कर दिया है। तो इस तरह से आप ये अपने इमेज का साइज कम बेसी कर सकते हैं, अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा।